इसमें कुछ ना बोलिएगा, जो सवाल होगा उसका जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या और किस चैनल से हैं? मेरा नाम राना जवाद है, डायरेक्टर न्यूज जियो। कितने पैसे कमाए आपने? उस घंटे की ब्रॉडकास्ट से जी, उसमें एडवर्टाइजमेंट थे? ड्यूरिंग द कोर्स इसमें एडवर्टाइजमेंट थे या नहीं थे? यू कांट शो। मैं आपसे बात सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। नहीं जी। No. उसको कितनी दफा आपने री टेलीकास्ट किया? वी डिड री टेलीकास्ट, उनका जो ऑपरेटिव पार्ट था उसको किया था। कितनी दफा? इन 11-12 बुलेटिन जी। कितने पैसे कमाए आपने? आई कांट आंसर दैट, आई मीन आई हैव नो अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए। आपको पता ही नहीं है आपका चैनल चलता कैसे? नहीं सर, ये पता है लेकिन ये नहीं पता। आप बता देना एक मिनट का एडवर्टाइजमेंट कि आप क्या चार्ज करते हैं प्राइम टाइम की प्राइम टाइम में? प्राइम टाइम में वी यूजुअली चार्ज अप टू 200,000 पर मिनट, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने बड़े क्लाइंट। यकीनन डिपेंड करता है, ये तो हर चीज डिपेंड करती है किसी चीज पे। 2,00,000 रुपए आप एक मिनट के कमाते हैं प्राइम टाइम पे? वेरीज सर, इट वेरीज ऑन। अपर लिमिट बता दें, लोअर लिमिट बता दें। एडिटोरियल अपर लिमिट से लोअर लिमिट बता दें। आई डील विद एडिटोरियल जी, आई डील विद एडिटोरियल। कोई मैनेजमेंट के? हमने आपको चुन के भेजा था, हमने कहा था जो शख्स है वो आए। अगर आपको कुछ नहीं पता है बुला लेते हैं। आपके कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको बुला लेते हैं। कौन सा ओनर को बुला लेते हैं? क्योंकि आपको नहीं पता है ना, आप यही कह रहे हैं मुझे नहीं पता है। चले उनको बुला लेंगे, किसको पता होगा ये बात। आपके ओनर का नाम क्या है? उनको बुला लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को बुला लेते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस पर्सन आप प्लीज ना, हम आपने क्योंकि आपने डिस्क्लोजर नहीं किया है ना। आप बोले ना मुझे ये इससे इतना फायदा हुआ। हमें तो आपने अदालत को नुकसान कर दिया। ये इदारा अवाम का इदारा है, ठीक है। आप बिल्कुल हम पे खुली तनकीद करें, मगर अगर आपने झूठ बेचना है और उससे पैसे कमाना है, वो शेर मेखल में मुनासिब बात नहीं है। या मुझे कोई कानून बता दें कि ये मेरा भी, ये भी मेरा फर्ज है आर्टिकल 19, झूठ बेचूं और पैसे कमाऊं। और आप कम से कम, आपने बात की इंटरनेट की, वो तो रेगुलेटेड नहीं है ना। आप तो माशाल्लाह, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। नहीं नहीं, आप और उनमें कोई एक आदमी कैमरा पकड़ के यूट्यूब चैनल चला ले, उसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन आई एम वेरी, आई थिंक योर लॉर्डशिप हैज डन द न्यूज़पेपर्स हैव रिप्रोड्यूस द एंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने नोटिस इशू नहीं किया, एंड राइटली सो, राइटली सो। आपका डिफेंस यही रह गया कि उनको भी कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा चलें, हम न्यूज को भी कर देते हैं। आप आज बहुत अच्छी वकालत कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की जी। हम न्यूज को भी कर देते हैं। आपका जियो का कौन सा है? ये कह रहे हैं न्यूज को भी कीजिए और जंग को भी कीजिए। ये हमारी आपकी मदद कर रहे हैं या पता नहीं हमारी मुआवनत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने तो अपनी रिप्लाई नहीं, इन्होंने कहा है कि बराए करम, क्योंकि आपके दो अखबार हैं जंग और न्यूज, उनको भी नोटिस कर दें। चलें, अगर ये आप बहस करना चाहते हैं, इससे हम उनके खिलाफ एक्शन लें या ना लें, इससे आपके केस का क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा कि ये आपने सही किया, मैं तो ये कह रहा हूँ सर। मैंने अपने रिप्लाई में लिखा है आपने सही नहीं, किया, शायद गलत किया फिर। नहीं, शायद गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती नहीं, मैंने कहा सही किया। चलें आगे सर, आइए बताइए। आई विल फाइल। दूसरे चैनल वालों को बुलाइए, सॉरी जी, दूसरे वालों को बुलाइए एक एक करके। की थी लाइव, उसके बाद हमने उसको कंडेम भी किया थ्रू वेरियस एक्टर्स जो पॉलिटिक। बुलाइए के को आजी, बताते रहें जी सर। कितने पैसे चार्ज किए आपने बनाए? इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। आप हमें इल्म नहीं, अगले को बुलाइए, ठीक है। आप अपने मालिकान के भी नाम लिखवाइए हमें सबके, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हैं कि उनकी पेशी हो कोर्ट में, हम नहीं चाहते थे मगर आप चाहते हैं, क्या करें, आपके वकील भी यही चाहते हैं। चलें, मिस्टर फैसल हकीम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज। आपको भी नहीं पता है, सच नहीं बोलना है सर, डिपार्टमेंट ही अलग है हमारा। तो आपको तो पता ही नहीं है, जगह काम करते हैं ना, मतलब आप सिर्फ अपने काम पे तवज्जो रखते हैं, आप इधर उधर नहीं देखते। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये कोई खड़ा होकर बता दे मीडिया वाले, जिसको पता है, जो सच बोलने के लिए आज तैयार है, या बस दूसरों की पगड़ी उठाने में माहिर है। एक साहब आए,
कितने चैनल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 26 को, सिर्फ एक आया है सामने बताने के लिए। कितना चार्ज करते हैं आप? सर मैं 7 न्यूज़ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ और मुझे इस सारी हायरार्की का पता है जो बिजनेस वगैरह का। हमारा बिजनेस जो होता है वो असल में, भाई आपने इस प्रोग्राम में कितने पैसे कमाए? सर एक प्रोग्राम को हम चार्ज नहीं करते, प्रोग्राम का तो नहीं चार्ज करते ना, मतलब पैसे कमाए कितने? रीब्रॉडकास्ट, एडवर्टीजमेंट्स, आगे पीछे ये न्यूज कॉन्फ्रेंस होने वाला है, एड चले होंगे, न्यूज कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ बीच में चलाए होंगे, कितने पैसे कमाए आपने? सर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ऐड नहीं चलाते, जब एक आरओ रिलीज होता है उसको रिलीज पहले चलाते हैं। हाँ जी, उससे पहले चलाते हैं, उसके बाद में चलाते हैं, उसके बाद में भी चलाते हैं। कितनी दफा आपने इसको प्ले किया दोबारा? ये 5 से 7 बुलेटिन, उसमें फिर एडवर्टीजमेंट थे। हाँ जी, उसमें कितने पैसे बने आपके? उसमें सर मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ होते हैं हमारे, अगर मैं अपने अपने चैनल, आप भी वही गोल्ड शोर बात नहीं, सर मैं आपको मैं बता रहा हूँ सर, रिलीज ऑर्डर एक वर्ड होता है हमारा आर ओ। प्लीज हमें आपसे जो सवाल पूछा वही बताएं। जी सर, आपका क्या होता है? ऐसे कर रहे हैं जैसे हम पे लाजिम है, आपका क्या होता है? रिलीज ऑर्डर के तहत हमने उस दिन के अंदर हमारा, अगर अपने चैनल की बात करें तो हमने कम अज कम 1.5 से 2 लाख रुपया कमाया होगा, ठीक है, फ्रॉम ऑल द डे। वो तो उसके अंदर तो 1 मिनट में 2 लाख रुपए कमा लिए सर। वो मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ रेट होते हैं, मैं 7 न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसमें उनका ज्यादा रीच है। जी सर, उनकी रीच ज्यादा होती है, वो चैनल्स का रेट भी ज्यादा होता है। सबसे बड़ा चैनल कौन सा है पाकिस्तान में? सर रेटिंग वाइज जियो ही है अभी तक। कितना उनका आउटरीच है सर? उसमें जो ही बता दें जियो वाले, या उनको ये भी नहीं पता होगा, वो भी दूसरा डिपार्टमेंट होगा, क्या आउटरीच है आपकी? We are almost 30% of the entire market. इतना आउटरीच है, नंबर बताइए। आउटरीच इन द सेंस ऑफ व्यूअर्स, हम नंबर बताइए, 10 लाख 20 लाख। We are sir 30% of the entire market which runs into tens of millions. भाई हम आपसे इतने लोग पूछ रहे हैं, लोग 10 मिलियन प्लस प्लस तो 100 मिलियन भी होता है। I would not be able to give you the exact figure. It's TRP. आप ने ज़हमत क्यों की आने की? Sir, 30% चले, आप तशरीफ रख लें फिर बैठिए, चले और आप बताना है क्या चाहते हैं साहब। आई एम रियली सरप्राइज्ड एट योर रिप्लाई सर, लेट मी एनीथिंग एल्स यू वांट टू रीड फ्रॉम हियर? जी जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स, इफ आई मे गो बैक टू योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर, पैरा 4 ऑफ द लास्ट ऑर्डर सर। जी पढ़ ले, मैंने तो अभी तो पढ़ा पैरा 4, दोबारा पढ़े पैरा 4। मैं सिर्फ आखिरी 3 लाइनें पैरा 4 की पढ़ रहा हूँ कि आपने हमसे जवाब किस पे मांगा था, उस पे हमने जवाब दिया। अगर आप के कितने रेवेन्यूज जनरेट हुए उस पे मांगा, वो तो अब बात आ गई ना, क्योंकि आप नहीं, आपने हमसे जवाब नहीं मांगा, आप तो बड़े मासूम हैं इसलिए हमने पूछे ना। नहीं, आप हमें तवक्को ये नहीं थी कि आप ये वाली प्ली लेंगे। मैं उस प्ली पे भी आता हूँ, पहले मैं बता आपने जवाब किस पे, प्लीज मुझे नहीं बताए ना, हम पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लीजिए, खुश हो जाइए, पढ़िए दोबारा प्लीज।